दोस्तों जय हिंद। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करूंगा कि आपके लिए जो ALP की नोटिफिकेशन 2024 की आई है, तो बहुत सारे लोगों का सवाल है कि सर वो कौन सा सेफ जोन होगा जिससे कि मैं वहाँ फॉर्म अप्लाई करूँ तो मेरा आसानी से ALP बनने का सपना पूरा हो जाए, मैं एग्ज़ाम निकाल सकूँ। तो मेरा इस टॉपिक पे ही आज का वीडियो रहेगा। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, जिसकी बहुत अच्छी तैयारी हो चुकी है, इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाए हैं, जिसकी बहुत अच्छी तैयारी हो चुकी है वो उसके लिए तो सारे जो जोन है सेफ है, कहीं से भी वो फॉर्म अप्लाई करेगा उसका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जो लोग ये सोच रहे हैं कि हमें वो सेफ जोन बता दीजिए जिससे कि मैं वहाँ फॉर्म भरूँ और बिना पढ़े पढ़ाई करे तो हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। आप समझ लीजिए कि थोड़ा बहुत ऐसा अंतर रहेगा, बशर्ते आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो मैं इस बोर्ड के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि आपको कहाँ पे अप्लाई करना चाहिए कि ताकि वहाँ पे वो थोड़ी सेफ जोन हो जहाँ पे कट ऑफ मार्क कम जाता है, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं कि जो वैकेंसी आई है 2024 की, तो उसमें मैंने टॉप 13 जो वैकेंसी है, ये टोटल वैकेंसी हमारी 5696 है, तो ये आने वाले दिनों में हमें हो सकता है बढ़ने को मिले, लेकिन अगर नहीं भी बढ़ता है तो हमें एक पोस्ट चाहिए, उसके लिए आप एक दिन रात मेहनत करो, आपका श्योर सिलेक्शन होगा। तो मैं यहाँ पे अपने बोर्ड पे जोन वाइज जो वैकेंसी है जिसमें ज़्यादा से कम की तरफ है, तो मैं इसमें से सिर्फ 13 जो लिया है मैंने कि ये जोन, उसमें से हम देख लेंगे कि कहाँ हमें अप्लाई करना है चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले है बिलासपुर जी, जहाँ पे है 1316 वैकेंसी है, सिकंदराबाद में है 758, मुंबई में है 547 वैकेंसी। टोटल मैं मिला के बात कर रहा हूँ जो वैकेंसी है सारे कैटेगरी का और सारे रेलवे का, जैसे मुंबई में सेंट्रल रेलवे भी है, वेस्टर्न रेलवे भी है, तो सारे जो मैं सिर्फ जोन की बात कर रहा हूँ और सारे कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। कोलकाता में है 345, बेंगलोर में है 473, ठीक है, प्रयागराज में है 286, भोपाल में है 284, भुवनेश्वर में है 280, अहमदाबाद में है 238, अजमेर में है 238, मालदा में है 217, रांची में है 153 वैकेंसी, तिरुवनंतपुरम इसमें 70 वैकेंसी है। तो आपको मैं बता दूं कि जहां भी वैकेंसी ज़्यादा दिख रही है तो वहां पे आप अवॉइड करना, बचना उस जगह अप्लाई करने से, क्योंकि इंसान का नेचर है जहां पे ज़्यादा वैकेंसी दिखता है वहां पे लगता है कि मैं यहां पे भर दूंगा तो मेरा यहां पे कट ऑफ मार्क कम जाएगा और मैं यहां से सिलेक्शन हो जाऊंगा। लेकिन ये गलत फहमी है, क्योंकि आप जैसे हजारों बच्चे ये सोचते होंगे और हजारों फॉर्म वहाँ पे जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ का जो मेरिट है वो सबसे हाईएस्ट चला जाता है, फिर सिलेक्शन लेना मुश्किल हो जाता है। तो एक नज़र मैं 2018 का जो CBT 2 हुआ था उसका जो मैं कट ऑफ मार्क यहाँ पे मैंने बोर्ड पे लिख रखा है कैटेगरीज वाइज, और उसको हम देख लेते हैं, उसी बेस पर हम ये रिज़ल्ट निकालने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए सेफ जोन कौन सा रहेगा। मैं यहाँ पे CBT 2 की बात कर रहा हूँ क्योंकि CBT 1 एक क्वालिफाइंग नेचर है, ठीक है। अगर आप CBT 1 में भी पास नहीं कर पा रहे हो तो फिर अभी आपका तैयारी बहुत अच्छे से नहीं है, फिर आप अगली बार तैयारी करना, क्योंकि इस बार मान लीजिए 6000 वैकेंसी है तो इसमें से 15 गुना बच्चों को CBT 1 में पास किया जाएगा, यानी 90,000 बच्चों को पास किया जाएगा, और 8 गुना बच्चों को CBT 2 में पास किया जाएगा, यानी 50,000 बच्चों को CBT 2 में पास किया जाएगा। तो अगर आप 90,000 बच्चों में नहीं आ पाते हैं तो फिर मुश्किल है आपको CBT 2 पास करना, ठीक है। तो मैं 2018 का जो CBT 2 की वैकेंसी है उस पर मैं बात करूंगा, तो सबसे ज़्यादा
आप देखे कट ऑफ मार्क, मैंने ऊपर से मैंने कट ऑफ मार्क 10 जोन का लिया है, सबसे हाईएस्ट है, ठीक है। उसके बाद मैंने नीचे से 5 जो सबसे कम कट ऑफ मार्क गए थे CBT2 का, वो मैंने लिए हुए हैं। तो हम ये देखते हैं कि तिरुवनंतपुरम जोन था, रेलवे भर्ती बोर्ड तिरुवनंतपुरम, इसकी जो वैकेंसी का जो कट ऑफ मार्क था CBT2 का, ये 67% में है, ध्यान रखना 67%, यानी 100 में से 67 मार्किंग अगर किया है बच्चा तो वो CBT2 क्रॉस करके अपने साइको टेस्ट में चला गया है। तो ये चीज़ है। अभी हम यहाँ पे बात करेंगे कि ये तिरुवनंतपुरम कट ऑफ मार्क इस पे ज़्यादा चला गया, जबकि उस समय 2018 में सबसे कम वैकेंसी थी, जो कि आज भी ये देखिए तिरुवनंतपुरम में सिर्फ और सिर्फ 70 वैकेंसी है, उस समय सबसे कम वैकेंसी थी, तब भी उसकी जो कट ऑफ मार्क ज़्यादा थी। तो इससे एक अंदाज़ा लगा लेना कि जहाँ पे बहुत कम वैकेंसी है वहाँ पे अप्लाई करने से बचना, क्योंकि अगर मान लीजिए वहाँ पे 10 पोस्ट है तो टॉप 10 बच्चों को ले लेगा, फिर उसके बाद आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो जो सबसे कम पोस्ट है, जहाँ पे जहाँ सबसे कम वैकेंसी है वहाँ अप्लाई करने से बचना है। तो ये तिरुवनंतपुरम था जो सबसे हाईएस्ट था, अनरिजर्व का 67 गया था, ओबीसी का 60.3 गया था, 39.1 एससी का गया था, और 25.4 ये गया था एसटी का। तो मैं यहाँ पे सिर्फ अनरिजर्व की बात करूँगा, आप अपने हिसाब से अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप देख लेना कि कहाँ पे कितनी जो कट ऑफ गई थी, उसके हिसाब से आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अजमेर का गया था 65.8, भोपाल का गया था 64.7, जहाँ से मैं भोपाल से सिलेक्शन लिया हुआ हूँ, ये हमारा बोर्ड है 64.7 चली गई थी। सिकंदराबाद की 59.9 चली गई थी, ध्यान रखना कि 2018 में दूसरी सबसे ज़्यादा अगर वैकेंसी आई थी तो वो थी सिकंदराबाद, और इस सिकंदराबाद का भी जो कट ऑफ था 60% के आसपास चला गया था। और जो अब की बार भी जो वैकेंसी है, अब की बार भी दूसरे नंबर पे है, तो ये बहुत ही मतलब डेंजर सिग्नल है। आप अगर अच्छी तैयारी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये है रांची, जहाँ पे 59.4% गई थी, चंडीगढ़ 59.4 गई थी, यहाँ पे कट ऑफ मार्क है, ध्यान रखना चंडीगढ़। इलाहाबाद 58.4 गई थी, बिलासपुर 57.1, कोलकाता 57 पॉइंट गया था कोलकाता का। तो ये हमारा जो हम टॉप के जो CBT के कट ऑफ मार्क थे वो थे। एक नज़र हम सबसे कम वाले जो ये है कट ऑफ मार्क है जोन, वो देखते हैं 2018 का। तो यहाँ पे पटना का जो कट ऑफ मार्क था सबसे कम गया था, 40% गया था। ये 40% अनरिजर्व का पासिंग मार्क है, जिन्होंने 40% मार्किंग किया, 40.09% अनरिजर्व का ये गया था कट ऑफ मार्क। ओबीसी का 30%, एससी का 30.2%, और एसटी का 26.1, यानी कि ये जो है ये सिर्फ पासिंग मार्क है, इतना अगर आप पास कर लेते हैं तो CBT2 में क्वालिफाई कर जाते हैं। और 2018 का जो CBT2 का जो कट ऑफ मार्क था पटना का सबसे कम गया था, और जबकि वैकेंसी अच्छी खासी थी। इसका एक मेन रीज़न जहां तक मुझे ये लगता है कि ज़्यादातर लोग जो है, जैसे मान लीजिए कि यूपी का कोई बच्चा है तो वो ज़्यादातर NER गोरखपुर सेलेक्ट करना चाहेगा, इलाहाबाद सेलेक्ट करना चाहेगा, मुंबई सेलेक्ट करना चाहेगा, अहमदाबाद सेलेक्ट करना चाहेगा, लेकिन पटना सेलेक्ट नहीं करता है। उसके बहुत सारे पॉलिटिकल रीज़न हैं, वो मैं यहाँ पे नहीं बता सकता, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो अप्लाई करता है तो वो बच्चा सिर्फ और सिर्फ वही आसपास के वो पटना या बिहार के बच्चे अप्लाई किए, इस वजह से वहाँ पे ये वैकेंसी ज़्यादा ठीक ठाक रहने के बावजूद भी उसकी जो कट ऑफ थी वो
कम चली गई है। और यहाँ का जो ये है, अब हम देखते हैं मुजफ्फरपुर का, तो मुजफ्फरपुर का यही सेम कंडीशन था, 40% था अनरिजर्व का, और भुवनेश्वर का 40% था, ठीक है, जम्मू का भी 45% था। हम अपने मुंबई का देख लेते हैं, जहाँ से ALP सिलेक्शन लेकर के 2018 वाले हमारे साथ में ALP के रूप में ड्यूटी कर रहे हैं, उनका हम देख लेते हैं। तो मुंबई का इन्होंने 56.8% और OBC का 50.5% और SC का 42.6% और ST का 25.2%। ये जो है ये हमारा कट ऑफ मेरिट मुंबई का था। तो इससे आपको जो है अंदाज़ा लगाना चाहिए कि हमें कहाँ किस जगह भरना चाहिए, जहाँ पे कि जो सेफ जोन होगा। तो अब हम बात करते हैं कि कहाँ कहाँ से आपको सेफ जोन होगा, कौन कौन सा आपको अवॉइड करना चाहिए। तो मैं अपने सेफ जोन पर सबसे पहला यहाँ पे मैंने इसको लिया है, भुवनेश्वर को लिया है। कहाँ है भुवनेश्वर? ये यहाँ पे लिया है मैंने भुवनेश्वर, क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी वैकेंसी है, 280 वैकेंसी है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भुवनेश्वर का जो 2018 का कट ऑफ मार्क था वो अनरिजर्व का 40% गया था, और OBC का 30%, ISC का 30% और ST का 25%। तो मैं अपने पहले नंबर पे मैं भुवनेश्वर को सेफ जोन मानता हूँ, ठीक है। दूसरा मेरे नज़र में सेफ जोन में हमारा है ये है मुंबई। मुंबई अब की बार जो वैकेंसी निकली है उसमें तीसरा सबसे हाईएस्ट वैकेंसी मुंबई की है, 547। ये कम वैकेंसी नहीं है, आने वाले दिन में अगर वैकेंसी बढ़ती है तो मुंबई की वैकेंसी ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि मैं सेंट्रल रेलवे में काम करता हूँ, यहाँ पे असिस्टेंट लोको पायलट की बहुत बड़ी कमी है। तो अगर ये वैकेंसी बढ़ती है तो मुंबई की हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिल सकती है। ये इस वजह से मैंने इसको दूसरे स्थान पर मैंने रखा है। और मुंबई का जो कट ऑफ मार्क है आप देख सकते हैं, जिन बच्चे ने 56% अनरिजर्व में होकर के 100 में से 56 मार्क कर लिए, उनका CBT2 क्लियर हो गया है, आप देख सकते हैं। तो इसलिए मैंने अपने तीसरे स्थान पर मैंने मुंबई को सेलेक्ट करके रखा हुआ है, दूसरे स्थान पे, सॉरी मैंने दूसरे स्थान पर मुंबई को सेलेक्ट कर लिया, पहले नंबर पर मैंने भुवनेश्वर को रख लिया है, तीसरे नंबर पे आप देख सकते हैं मैंने अहमदाबाद का रखा है। अहमदाबाद में अच्छी खासी वैकेंसी है, ये 238 वैकेंसी है। और आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पे अहमदाबाद का कट ऑफ नहीं लिखा, लेकिन अनरिजर्व का जो कट ऑफ था वो 52% गई थी, 52 अनरिजर्व की वैकेंसी ये जो कट ऑफ था वो गया था। तो मैं अहमदाबाद को अपने तीसरे नंबर पे रखता हूँ। ये वीडियो ध्यान से देखना और उसको चुनना, जिन लोगों ने फॉर्म अप्लाई कर दिया है कोई बात नहीं, आप जहाँ से भी फॉर्म अप्लाई किए हैं बहुत सही है, सिर्फ आप तैयारी करो, आपका श्योर सिलेक्शन होगा। जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है तो वो जो है अप्लाई इस हिसाब से करें जिससे कि उनका सिलेक्शन हो जाए। तो ये हमारा अहमदाबाद तीसरे स्थान पे था, क्योंकि ये 52% ये अनरिजर्व की वैकेंसी गई थी, ठीक है। तो ये 52% इनका कट ऑफ गया था अहमदाबाद का। अब हम चौथे स्थान पर बेंगलोर को रखते हैं, ठीक है। तो बेंगलोर को रखने का एक ये रीज़न है कि इस पे जो है कहाँ पे चौथा सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, 473 वैकेंसी है, और ये सबसे सेफेस्ट जोन है चौथे नंबर पे मेरे हिसाब से, क्योंकि जो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, लेकिन हाँ बेंगलोर का जो कट ऑफ है वो बहुत हाईएस्ट नहीं गया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि मैंने टॉप 10 कट ऑफ मार्क यानी 57% तक लिया है, तो इसमें नहीं है, इसका मतलब है कि वो नीचे ही है। तो आपके लिए सबसे सेफ जोन चौथे नंबर पे आपका बेंगलोर है, ठीक है।
अब हम लोग पांचवा सबसे सेफेस्ट जोन देखने की कोशिश करेंगे। तो मेरी नज़र में सबसे सेफेस्ट जोन हमें जो पांचवा दिख रहा है वो है भोपाल। भोपाल का इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भोपाल से मैं सिलेक्शन लिया था, ठीक है, और भोपाल का कट ऑफ मार्क चूँकि ज़्यादा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 64.7 अनडिजर्व की गई थी, लेकिन वहाँ पे उस समय जो वैकेंसी था वो बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो इस वजह से यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। लेकिन हम जब यहाँ पे देखते हैं तो ये 284 वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है यहाँ पे। तो मैं पांचवा सबसे सेफेस्ट जोन अपने भोपाल को दे दूंगा, क्योंकि हम आते हैं जो सबसे डेंजर जो जोन है जहाँ पे आपको अवॉइड करना से बचना चाहिए। तो मैं आपको बता दूँ कि आपको पहला तो है कि आपको बिलासपुर तो छोड़ देनी चाहिए, ये मैंने डेंजर जोन पहले पे रख दिया है, ठीक है, पहला मैं जोन छोड़ दिया है, बिलासपुर को आप छोड़ देना, सिकंदराबाद का छोड़ देना, क्योंकि मैंने बता दिया सिकंदराबाद का वैकेंसी ज़्यादा रहने के बावजूद भी वहाँ पे कट ऑफ मार्क बहुत हाई गया था। तो सिकंदराबाद बेंगलोर पहला, दूसरा ये हो गया हम छोड़ देना है, तीसरा अजमेर को छोड़ देना है, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि अजमेर पे में 238 वैकेंसी है और आप देख सकते हैं कि तिरुवनंतपुरम के बाद अगर कोई कट ऑफ मार्क गया था तो वो गया था 65.8, ये अनरिजर्व की जो कट ऑफ मार्क था वो गया था, तो आपको उसको छोड़ देना है। तो तीसरा हमारा कौन सा हो गया, अजमेर हो गया, ठीक है। मैं चौथे को, चौथा डेंजर जोन मैं किसको मानता हूँ, मैं चौथा डेंजर जोन पटना को मानता हूँ, क्योंकि इस बार इन्होंने बहुत कम वैकेंसी है, पटना में 38 वैकेंसी है, ठीक है। तो आप जो है ये हमारा चौथा सबसे डेंजर जोन है, ठीक है। उसके बाद पांचवा हमारा जो जोन है वो है तिरुवनंतपुरम, सबसे डेंजर जोन है और इस समय भी उसकी वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ 70 है और उससे ज़्यादा नहीं है। और तिरुवनंतपुरम में आप देख सकते हैं कि उसकी जो कट ऑफ मार्क थी सबसे हाईएस्ट थी। तो ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था आपको ये तो मैं इसी के साथ में ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, और आप कौन सा जोन आपने सेलेक्ट किया है और कौन सा जोन सेलेक्ट करने वाले हैं वो भी बताएं। और आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और मैं मिलता हूँ अपने किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।